बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया चल रहा है। इधर इधर भाई इधर भाई इधर भाई बना रहा है, इधर हम बना रहे हैं माशाल्लाह। तो अदर भाई का मोनिटाइज हो चुका है फेसबुक माशाल्लाह। मुझसे सुनना इनके चले यहाँ पे अभी समोसे तले आ रहे हैं यहीं पे लगा दिया। और घर का शिफ्ट के कोने कोने में अफतारी कराई जाती है माशाल्लाह। देख सकते हैं ये मकबरे का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। माशाल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं इंसानी आप देख रहा हूँ 3 दिन तारीख चल रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आज रमज़ान शरीफ की 9 तारीख है और रमज़ान शरीफ की 9 तारीख का किस तरह का ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ के अंदर नज़ारा होता है वही नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कल 8 तारीख थी, 8 तारीख वाले दिन मैं आपको ये नज़ारा नहीं दिखा सका क्योंकि कल ओले बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, इसलिए वो नज़ारा मैं आपको नहीं दिखा सका। फिर मैंने आपको बारिश का नज़ारा दिखाया। आज मैं आपको 9 तारीख का नज़ारा दिखाऊंगा जो दरगाह शरीफ में जो प्रोग्राम चल रहा है राजा रोज़ इफ्तार का किस तरह से इन टाइम से आ रहा है और किस तरह का प्रोग्राम अभी चल रहा है वही सब आप तमाम जानकारी आपको देने के लिए दरगाह शरीफ में हम आए। तो अभी कैमरा घुमाते हैं और आपको तमाम मालूम तमाम जानकारी देते हैं कि किस तरह का नज़ारा दरगाह शरीफ में है। तो दोस्तों चलते हैं शाहजहानी मस्जिद की तरफ। शाहजहानी मस्जिद की तरफ देखते हैं किस तरह का नज़ारा है क्योंकि पब्लिक अब बैठना स्टार्ट हो चुकी है और रोज़ इफ्तार का टाइम करीब ही है। पहले रोशनी की जाएगी, इसके बाद रोज़ इफ्तार किया जाएगा। तो हम आ गए हैं शाहजहानी मस्जिद की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं अभी शाहजहानी मस्जिद आधी खाली है, आधी भर चुकी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे पब्लिक बैठती जाएगी और पूरी दरगाह शरीफ में ही इसी तरह अफ्तार कराया जाएगा लोगों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते अंदर की तरफ, अंदर का अंदर से नज़ारा लेते हैं कुछ। जावेद आ रहा है। तो दोस्तों अदर भाई मिल गया हमारे को अभी यहाँ पर और आपस में हम दोनों और अदर भाई कैसे बस दुआ है। जगह देख ले आप तो दोस्तों अज़र भाई के बड़े भाई वसीम भाई भी यहाँ पे लगे हुए देख सकते हैं। ये बड़े भाई है वसीम भाई, इनका नाम है सैयद वसीमुद्दीन। तो ये भी यहाँ पर खुदमत अंजाम दे रहा है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं अज़र भाई के भाई थे। और एक ये यहाँ पे ये है खालिद भाई। तो खालिद भाई कैसा रहा है आपका आज का दिन? बढ़िया है माशाल्लाह। क्या कर रहा हो अभी? दाल रोटी बांट रहे हैं। ये दाल रोटी बांट रहे हैं देखो, ये सब रोज़दारों को यहाँ से दाल रोटी बांटेंगे अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह। शरबत का भी इंतजाम है, रोटी का भी इंतजाम है। मैंने मैंने बोला ना
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया चल रहा है। इधर इधर भाई इधर भाई इधर भाई बना रहा है, इधर हम बना रहे हैं माशाल्लाह। तो अदर भाई का मोनिटाइज हो चुका है फेसबुक पे माशाल्लाह। तो आप इनके मुझसे सुनना इनके चैनल पे जाकर चैनल है इनका माशाल्लाह। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। और ये शाहजहानी मस्जिद का ही बाहर का नज़ारा माशाल्लाह, शाहजहानी मस्जिद के अंदर का नज़ारा है। तो अज़हर भाई कुछ बोलेंगे आप भी? मैंने बताया ना, ऐसा आज मोनेटाइज हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं स्टार स्टार कैसे आता है, हमें चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको पड़ेगा, आप करोगे तो हमें पता चलेगा स्टार दो जितना हो सके। चलो भाई ख्वाजा बाबा के नाम के कितने स्टार भेजाओगे बता दो भाई। आप बहुत तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी समोसे तले आ रहे हैं, यहीं पे लगा दिया। और घर का शिफ्ट के कोने कोने में अफ्तारी कराई जाती है माशाल्लाह। देख सकते हैं ये मकबरे का नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलिए वही तरीका से चल गया आया बच्चा।
सब उठी हुई है। तो दोस्तों मैंने आपको तमाम नज़ारा मालूमत दे दी है 9 तारीख को इस रमजान शरीफ में किस तरह का नज़ारा था दरगाह शरीफ के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, कमेंट कर दो, शेयर कर दे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।